भाई बहनों बड़ों से नमस्कार, छोटों से प्यार। आप ब्लॉग बनाने फिर आई है। कभी लोग ना सुबह सुबह शुरू कर रहे हैं मैं जल्दी, क्योंकि अब हमने जाना है। अभी 6:30 हो रहे हैं और 5 बजे हम उठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। नहा धो के हम फ्रेश हो गए हैं, चाय पी ली, रात की 2 रोटी बची थी वही खाई। अभी हमारा सामान थोड़ा बहुत फैला हुआ है, देखना। बाकी तो पैकिंग चल रही थी ना सब कल से हमारी, और ये पानी वगैरह ले जा रहे, थोड़ा दूध बच रखा था, यहाँ ख़राब हो जाएगा ये, तो मैंने कहा ले जा देते वही। ये बैग वगैरह सारा पैक हो गए हैं हमारे, अभी छोटा मोटा जो सामान है उसको एक दूसरे बैग में रखेंगे। बस हम आप फटाफट निकलने की तैयारी करते हैं, तो आप भी हमारे सफर में साथ बने रहे, देखते रहिए हम क्या क्या दिखाते हैं आपको भी लोगों में। देखो दोस्तों, बेटे ने गाड़ी निकाल दी बाहर पार्किंग से, बाइक भी हम अंदर पहुँच गए। पहन रही है मैंने, हाँ तो चलो, चलने से पहले माता रानी का आशीर्वाद ले लेते हैं। जय माता दी। हाँ दोस्तों, अब 7:30 हो गए हैं, अब निकल रहे हैं हम। देखो कितनी देर हो जाती है घर में, एक ताला मार दूसरा ताला मार, घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हाँ दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं पौड़ी गढ़वाला। पौड़ी हमारा गाँव है, तो आज का सफर होने वाला है ऋषिकेश टू पौड़ी। आप भी बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए सुंदर सुंदर नजारों का। दोस्तों अभी हम पेट्रोल पंप में खड़े होते हैं, जब गाड़ी में पेट्रोल भरवा देते हैं। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अभी ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल में। आगे बढ़ते हुए अभी हम रामझूला को क्रॉस करने वाले हैं, और ये देखिए हमारे दाहिने हाथ की तरफ दिख रही है रामझूला की पार्किंग। रामझूला के थोड़े से आगे लक्ष्मण झूला भी आएगा। हाँ तो यहाँ से दाहिने हाथ में लक्ष्मण झूला का रास्ता निकलता है। ऋषिकेश से बाहर निकलते ही हमें ये साइन बोर्ड दिखाई दिया, जिसके मुताबिक बद्रीनाथ 290 और केदारनाथ 223 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ तो देखो हम अभी कितने सुंदर पुल से गुजर रहे हैं, ये आधा मेटल का बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। और इसका नाम अभी हमें पता नहीं चला वैसे क्या है, ये हमने पहली बार देखा है और जा भी मैं पहली बार ही रही हूँ इससे। हाँ दोस्तों, हम अपने सुनहरे सफर में आगे बढ़ते हुए ब्यासी पहुंच गए हैं। ये है ब्यासी का मार्केट, यहाँ के आलू के परांठे बहुत फेमस है। हम सोच रहे थे हम भी कुछ खा लेते हैं, पर अभी घर से चले हुए अभी हमें 1 ही घंटा हुआ है, तो हम बेटा कह रहा है कि आगे देखेंगे। यात्री लोगों की काफ़ी भीड़ हो रखी है, क्योंकि ये यात्रा सीजन चल रहा है अभी। और ये ब्यासी का पुल आ गया है, ये पीछे देखिए रेलवे का भी शायद कुछ काम चल रहा है। और ये देखिए रास्ते में हमें कई जगह टूटे हुए पहाड़ भी मिले। पहाड़ टूटने का सिलसिला अधिकतर बरसात में ही होता है, इसलिए बरसात में पहाड़ों में जाने का प्लान थोड़ा कम ही बनाना चाहिए। हाँ तो आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं 3 धारा में, अब यहाँ कुछ खाने पीने का देखते हैं। हाँ तो हमें एक होटल में बैठ गए नाश्ता करने के लिए, तो हमने आलू के परांठे मंगाए थे, पर ये कहीं से भी आलू के परांठे नहीं लग रहे हैं। साथ में इसकी चटनी, छोले और रायता। हम नाश्ता करके बाहर आ गए हैं, अब बनी रही हमारे साथ आगे एक सफर में। हाँ तो यहाँ से अभी देवप्रयाग 10.5 किलोमीटर आगे है। हाँ दोस्तों, अभी हम देवप्रयाग पहुंच गए हैं। सामने लाल बिल्डिंग बनी है, ये हमने पहली बार देखी है, शायद ये अभी नई बनी है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा रुके हुए हैं, सोच रहे हैं कि हम सीधे जाएं या दाएं ओर जाएं, क्योंकि दोनों रास्ते पौड़ी के लिए ही जाते हैं, तो हम अब दाएं तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते हमको आधा घंटा शॉर्टकट पड़ता है, क्योंकि यहाँ से हम श्रीनगर को बाईपास करते हुए सीधे पौड़ी को निकल जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये देवप्रयाग में उतरे हुए हम थोड़े पुल के ऊपर,
उधर आगे से तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने रुकने नहीं दिया हमको, तो हम थोड़ा पुल के ऊपर रुके हुए हैं। और यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, यहाँ दोनों संगम जुड़ के गंगा जी बन जाती है। यही गंगा ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए जाती है सीधे। तो चलो फिर हम देवप्रयाग से आगे बढ़ते हैं, तो बने रहिए इस सफर में हमारे साथ आगे भी। हाँ दौड़े यहाँ देखो, पूरा सीमेंट का पहाड़ बना रहे हैं, देखो क्या बना रहे हैं, नकली पहाड़। हाँ तो यहाँ पीछे ना ट्रेल का काम चल रहा है, उससे सारी सड़कें खराब हो रही है। ये देखो ये पूरा क्या है, ये सीमेंट के वो है, वो रेत बजरी का पहाड़ बना दिया पूरा पहाड़। यहाँ से ले जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा यहाँ से ले जाएंगे धीरे धीरे उठा के। पूरे पहाड़ों में बहुत काम चल रहा है सड़कों में। ये देखो क्या क्या चीजें रखी है उन्होंने, कुछ होगा ही काम करने का। देखो चलते चलते हमें गांव दिखाई दे गया, अब पता नहीं कौन सा गांव है, तुम जानते तो है नहीं। और बहुत सुंदर लग रहा है, ये मंदिर पंचायत, यहाँ का रास्ता है गाँव का, गाँव पंचायत पूरा पहाड़ पेड़ों से ढका हुआ है, और पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान को छू रहा है ये पेड़। कितना सुंदर मौसम है नीचे, देखो वही भागीरथी की कितना मटमैला पानी आ रहा है, जो नदी है जो ये भागीरथी वाली मटमैला पानी आ रहा है, यही देवप्रयाग में संगम बन जाती है जो दिखाया था मैंने आपको। चीड़ का पेड़ भी कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो सीढ़ी वाले खेत कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से पहाड़ों में यही देखने की खूबसूरती होती है, आसमान क्या साफ हो रहा है, देखो ये बादल चमक रहे हैं धूप में। हम यहाँ पे थोड़ा रुके हुए हैं, गाड़ी में बहुत दूर हो गई तो थोड़ा शीशे में कपड़ा मार रहे हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा ना बाहर कुछ, कितनी ज़्यादा धूल हो रही है। देखो लोगों ने गाय छोड़ रखी है, क्या चल रही होगी सड़क में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पास। अपने खूबसूरत सफर में हम पहुंच गए हैं खुला चोरी, अब यहाँ से 15 किलोमीटर है पौड़ी, फिर आगे चलते हैं अपने सफर में, आप बने रहे हमारे साथ। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। दोस्तों यहाँ डांडा पानी आ गया है, और इससे आगे सर्किट हाउस आएगा, ऊपर देखो कितना पेड़ लग रहा है इस पहाड़ में, चीड़ के पेड़ है सारे, इधर की तरफ चीड़ ज्यादा लगती है मेरे उत्तराखंड में। हाँ दोस्तों अब घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज आने वाला है। हाँ जो सामने पहाड़ी के टॉप में आपको दिखाई दे रहा है वो है घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज। मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हाँ देखो दोस्तों ये हमको मचान मिले रास्ते में कई जगह, ये तो मैंने नई चीज ही देखी पहली बार, जिसको पता हो तो जरूर कमेंट में बताना कि क्यों बने हैं ये। हाँ तो दोस्तों यहाँ से पौड़ी शुरू हो जाता है, पौड़ी शुरू होते ही आपको बड़े बड़े घर इसमें शुरू हो जाएंगे, और जो पौड़ी के मूल निवासी हैं और पौड़ी से बाहर रहते हैं इस वीडियो के माध्यम से इन रास्तों का आनंद ले सकते हैं, और हो सके तो अपने गांव का नाम भी कमेंट में बताना, आप किस किस गाँव के हैं जरूर बताना। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। हाँ तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी सीधा रामलीला ग्राउंड में गाड़ी पार्क करने के लिए, क्योंकि पौड़ी में पार्किंग की बहुत दिक्कत है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। रामलीला मैदान इस बीच मार्केट से जाना पड़ता है, इतनी बारीक बारीक सड़क है ना यहाँ, गाड़ी ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अभी मेरे बाएं हाथ की तरफ ये ऑडिटोरियम आ गया पौड़ी का, और ये बाएं हाथ में मेरे यहाँ पोस्ट ऑफिस भी आ गया है। अब चलते चलते देखो कितनी बारीक रोड है, बादलों के उड़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हाँ तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं रामलीला मैदान में, यहाँ
पे इन्होंने पार्किंग बना रखी है, सब लोग यहीं पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, हमने भी यहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। ये देखो बंदर भी बैठा, डर भी लग रही मुझे कहीं छीन ना ले। हाँ ये यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी है बैठने के लिए, यहाँ पे होते रामलीला पौड़ी के सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम इसी मंच में होते हैं। हाँ दोस्तों हम यहाँ पहुँच गए थे 1 बजे दिन में, तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो वीडियो नहीं बना पाई फिर 1 बजे का घर पहुँचने का, तो थोड़ा यहाँ धूल वगैरह हो रखी थी तो यहाँ सफाई वगैरह करने लग गए। सफाई करके भी थकान हो गई, देखो तो मेरे चेहरे ही बता रहा कि कितना थक रखे हैं। होता ही है फिर साफ सफाई, इधर झाड़ उधर झाड़। तो चलो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे अब जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय बाय। ठंडो पड़े ठंडो पा